तो आज इस वीडियो में बात करेंगे HAL लिमिटेड के बारे में। देखिए, स्टॉक का 14 तारीख का जो डेट है नवंबर 14, बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है स्टॉक के लिए, क्योंकि देखिए क्वार्टर टू का रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, अब देखिए स्टॉक में आगे करना क्या है ये तो इसी वीडियो में हम लोग जानेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब देखिए स्टॉक आप देख सकते हैं एक ही रेंज में, नैरो रेंज में यहाँ पे जो है काम कर रहा है। ऊपर से हालांकि गिरावट हुआ है, उसके बाद थोड़ा सा नीचे गिरते गया, लेकिन अगर दूसरा स्टॉक देखें डिफेंस सेक्टर का, जैसे कोचिंग शिपयार्ड, मझगांव डॉक, तो वो सब में कुछ ज़्यादा ही स्टॉक में बुकिंग आया है। उस हिसाब से देखा जाए तो HAL में जो है उतना ज़्यादा बुकिंग ऊपर से नहीं आया। हाँ, स्टॉक तो ये भी करेक्ट हुआ है, ऊपर से करेक्शन आया है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं। अब देखिए स्टॉक का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जैसे कि हम हर वीडियो में बोलते हैं 4500 का, उसको जब तक यहाँ पे स्टॉक ब्रेकआउट नहीं करके निकल जाता तब तक तो स्टॉक में कुछ मतलब बड़ा टारगेट हम लोग नहीं ले सकते, क्योंकि बुलिश ट्रेंड हम लोग नहीं तब तक पकड़ सकते हैं। अब देखिए आगे स्टॉक यहाँ पे देख सकते हैं एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। अब जितना बार देखिए ऊपर स्टॉक जाने का यहाँ पे कोशिश करता है, रेजिस्टेंस फेस करता है, फिर नीचे आके सपोर्ट लेता है, फिर यहाँ पे देखिए मतलब ये एक जो ट्रेड लाइन देख रहे हैं ये पूरा एकदम रेजिस्टेंस का काम कर रहा है स्टॉक के लिए। उसके ऊपर वो ब्रेकआउट ही नहीं दे पा रहा है स्टॉक को, जिसको चाहिए, जो स्टॉक को ब्रेकआउट चाहिए यहाँ से वो ब्रेकआउट स्टॉक नहीं दे पा रहा है। अब देखिए मार्केट में भी थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है। ठीक है, मार्केट का सिनेरियो थोड़ा सा बीच में बहुत ख़राब है, अभी भी जो है स्थिति उतना सुधरा नहीं है, तो उस हिसाब से देखा जाए यहाँ पे देखिए, और ये जो रेड वाला ट्रेंड लाइन देख रहे हैं यहाँ पे स्टॉक तो एक अच्छा खासा सपोर्ट मान रहा है, और यहाँ पे देखिए कितना बार सपोर्ट किया है, मतलब 4-5 बार इसी रेंज में आके स्टॉक जो है अपना सपोर्ट लिया। मतलब अगर राउंड फिगर में देखा जाए तो ये सपोर्ट आपका बन रहा है कितना में, करीब करीब 4200, मतलब 4200 रुपया स्टॉक के लिए एक अच्छा सपोर्ट हम यहाँ पे निकाले हुए हैं। अपने हिसाब से 4200 का स्टॉक जो है यहाँ पे हर बार आता है, देखिए इसको नीचे नहीं तोड़ता है, वहीं पे रुक जाता है 4200 का लेवल जो है, और ऊपर का लेवल में देखिए ये ट्रेंड लाइन को स्टॉक जो है यहाँ पे हम निकाले हुए हैं, जिसको आप अब खुद देख सकते हैं। यहाँ पे हर एक बात जो है यहाँ पे स्टॉक अपना रेजिस्टेंस ले रहा है और नीचे आ जा रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है फिर नीचे आ जा रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है। अभी भी देखिए आज के डेट में भी एक रेड कैंडल बना दिया है ना, तो इसीलिए मेरा कहना है 14 तारीख जो है नवंबर 14 स्टॉक के लिए अच्छा है। अगर रिजल्ट अच्छा आता है तो कहीं ना कहीं स्टॉक यहाँ से ब्रेकआउट करके ऊपर के लिए निकल जाएगा, जो कि बहुत अच्छा रैली आने का उम्मीद है, और क्वार्टर टू का रिजल्ट भी अच्छा आने का उम्मीद है। अब देखा जाएगा आगे क्या होता है, क्योंकि देखिए कोचिंग शिपयार्ड का रिजल्ट अच्छा ही आया था, फिर भी स्टॉक जो है 5% का आज लोअर सर्किट लग गया स्टॉक में। ठीक है, उस हिसाब से देखा जाए तो अभी का डेट में क्या है कि अभी 14 नवंबर में टाइम है। ठीक है, तब तक देखते हैं स्टॉक में क्या होता है, नेक्स्ट वीक ही आने वाला है इसका रिजल्ट। अगर अच्छा आता है स्टॉक तो यहाँ पर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करके ऊपर निकल जाएगा, ख़राब आता है तो कहीं ना कहीं देखिए स्टॉक का आरओसी वगैरह तो ठीक ठाक है, 30-40 के बीच में चल रहा है। ठीक है, मतलब सॉरी पी तो कुछ ज़्यादा नहीं है, कुछ नहीं तो थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा या हल्का सा गिरावट लेगा, लेकिन हमको जहाँ तक लग रहा है कि ये स्टॉक का जो एक सपोर्ट जोन है इसको वहाँ पर नीचे नहीं ब्रेकडाउन करेगा, अगर रिजल्ट थोड़ा बहुत डिप भी आता है तो, क्योंकि जो यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है स्टॉक देख सकते 4200 का, वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया है। उसको अगर ब्रेकडाउन करता है तो 4000 का एक राउंड फिगर जो है साइकोलॉजी साइकिल बड़ा है, ठीक है, वो भी एक सपोर्ट बन के काम आएगा आगे में स्टॉक में, लेकिन फिलहाल के लिए तो 4200 का टारगेट मतलब सपोर्ट जो है अच्छा काम कर रहा है इसके लिए। और यहाँ पे हम नहीं बता रहे हैं, ग्राफ बता रहे हैं, देखिए बहुत बार यहाँ पे आके स्टॉक रुका है, अगर गिरना होता तो यहीं से स्टॉक गिर जाता, क्योंकि मार्केट में उस टाइम भी प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है, गिरना होता तो यहाँ से भी स्टॉक गिर जाता, यहाँ से भी गिर जाता, लेकिन नहीं, वहाँ पे कंसोलिडेट करके फिर बाउंस बैक मारता है। हालांकि यहाँ पे रेजिस्टेंस अगर है इसको ब्रेकआउट करने का बस एक ही तरीका है, स्टॉक का क्वार्टर टू का रिजल्ट जो कि अभी 14 नवंबर को आने वाला है, देख लेते हैं कैसा आता है। फिलहाल के लिए अगर यहाँ पे टारगेट मतलब रेजिस्टेंस का बात करें हम तो देख सकते हैं स्टॉक में करीब करीब आपका जो है 4500 का यहाँ पे स्टॉक का एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। अगर इसको शेयर का रिजल्ट अगर अच्छा आता है तो यहाँ से ब्रेकआउट करता है, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेकआउट करता है यहाँ पे तो नेक्स्ट टारगेट देखिए 5000 का टारगेट तो यहाँ पे स्टॉक में बहुत जल्दी दिखा देना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि हम जिस हिसाब से ग्राफ पे काम कर रहे हैं मेरा टारगेट तो स्टॉक को लेकर अभी शॉर्ट टर्म में 5000 का है। हालांकि उसके बाद मेरा लॉन्ग टर्म में स्टॉक का टारगेट बहुत ज़्यादा ही है यहाँ पे, क्योंकि देखिए फंडामेंटली साउंड कंपनी है, दूसरा बात है कि मोनोपोली शेयर है, इस सेक्टर में इसका कंपटीटर कोई नहीं है, और आपको भी पता है जहाँ पे कंपटीटर कहीं नहीं है मोनोपोली क्रिएट करता है तो देखिए मार्केट में गिरावट आएगा, गिरेगा स्टॉक, लेकिन भैया मेरा मोनोपोली है, मेरे साथ कोई कंपटीटर नहीं है, तो जब भी भागेंगे तो हम अकेले भागेंगे और ज़ोरदार भागेंगे। और ये HAL का भी एक ये है, जब भागता है तो बहुत खतरनाक भागता है, गिरावट में हालांकि गिरता है लेकिन भागेगा जो तब भी अच्छा रेंज में भागता है, सर्किट भी मार देता है 10-15% का, कोई बड़ा चीज़ है नहीं इसके लिए, हालांकि लार्ज कैप का स्टॉक है फिर भी सर्किट मार देता है।
तो जिस इसी में मेरा कहना है, अगर मान लीजिए यहाँ से अगर 10% का सर्किट भी मारा तो देख सकते हैं 4400 का स्टॉक है, कुछ भी नहीं तो 10% में मान लीजिए 440 रुपये चढ़ जाएगा एक दिन में, मतलब एक दिन में आपका यहाँ पे लगभग 5000 का टारगेट हिट कर जाएगा। तो डिपेंड करता है कि क्वार्टर टू का रिजल्ट कैसा आता है, देखते हैं 14 नवंबर को, उसके बाद हम लोग वीडियो में बात करेंगे ही। फिलहाल के लिए मेरा यही टारगेट और यही सपोर्ट निकल के आ रहा है जो कि मैंने बता दिया। देखिए हम अपना खुद का एनालाइज यहाँ पे शेयर किए हैं, बाकी देखिए आपको खुद को अपने हिसाब से एनालाइज करके अपना एडवाइज़र से बात करके इन्वेस्ट करना है मार्केट में। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल में नया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।